वीडियो के इस पार्ट में हम लोग जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है देखिए न्यूमेरिकल का स्टडी करेंगे। बोर्ड पर कुछ न्यूमेरिकल जो है नोट है, इसको वन बाय वन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, व्हाट इज द फीनोटाइप रेशियो बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ए क्या है, टॉल एंड ग्रीन, ध्यान दीजिए ड्वार्फ एंड ग्रीन, इस बात को समझिए। देखिए एक्चुअल में टॉल प्लांट, देखिए टॉल जो है टॉल प्लांट एंड येलो, टॉल एंड येलो टॉल प्लांट है, बात समझिए टॉल प्लांट एंड येलो सीड, देखिए इसके लिए गिवन है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए इसके बाद टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, देखिए ग्रीन सीड, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन के लिए जो एलील है स्मॉल वाई, और देखिए टॉल प्लांट के लिए आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर देखिए टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी और येलो सीड के लिए आपका देखिए ध्यान दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए एक्चुअल में टॉल एंड ग्रीन तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा, देखिए टॉल प्लांट एंड ग्रीन सीड, तो टॉल एंड ग्रीन, अब इसको जरा ध्यान दीजिए टॉल एंड ग्रीन, तो देखिए एक्चुअल में टॉल जो है कैपिटल टी टी और ग्रीन, मैं बार बार आपसे कहूंगा देखिए ग्रीन के लिए स्मॉल वाई वाई, तो ये कंडीशन हो गया टॉल एंड ग्रीन का। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिए एक और कंडीशन हो सकता है कैपिटल टी और स्मॉल वाई, देख लीजिए अगर आप देखिए टॉल प्लांट एंड ग्रीन सीड की जो प्रोबेबिलिटी है, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अरे भाई ग्रीन के लिए स्मॉल वाई वाई के अलावा कुछ नहीं होगा और टॉल के लिए कैपिटल टी टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बात समझिए। और मैं आपको पिछले वीडियो में और कई वीडियो में इस बात को बता चुका हूं, होमोजाइगस कंडीशन के लिए जो रेशियो होता है, बात समझिए 1/4, और हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए 2/4। फिर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, होमो के लिए 1/4 एंड हेट्रो के लिए भाई 2/4। तो देखिए यहां पर देखिए ये होमोजाइगस है तो 1/4 इंटू ए भी होमोजाइगस है तो 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/16, देख लीजिए। और यहां पर देखिए हेट्रोजाइगस है तो 2/4 इंटू ये होमोजाइगस है तो 1/4 इक्वल टू 2/16, टोटल क्या हो गया 3/16। तो देखिए जो हमारा ए प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, वो क्या हो गया सॉल्व हो गया, कोई बात नहीं। अब जो है जरा बी देखिए, इसका ड्वार्फ एंड ग्रीन, ध्यान दीजिए बी जो प्रॉब्लम है ये क्या है, ड्वार्फ
एंड ग्रीन। देखिए ड्वार्फ एंड ग्रीन, टॉल का जो बात समझिए एलील है टी है, तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और ग्रीन के लिए देखिए स्मॉल वाई, ये होगा ड्वार्फ एंड ग्रीन। और कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? सिर्फ वन होगी। इसका मतलब इसका जो है देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन, तो 1/4 इनटू देखिए ये होमोजाइगस के भी 1/4, तो दैट इज योर 1/16। तो देखिए एक्चुअल में हमको क्या शो करना है, व्हाट इज फिनोटाइप रेशियो बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच जो है रेशियो, देखिए आप समझिए आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 3:1। देख लीजिए अरे भाई यहां का जो बात समझिए, एक्चुअल में टाल एंड ग्रीन जो है 3/16 मतलब 3 प्लांट, और यहां पर देखिए ड्वार्फ एंड ग्रीन 1, तो 3/1 का रेशियो, तो दिस इज योर आंसर। देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड एलो। तो देखिए एक्चुअल में राउंड एलो, चलिए ठीक है राउंड एलो, इसके बाद क्या है राउंड ग्रीन, राउंड देखिए एक्चुअल में बहुत इजी प्रॉब्लम है राउंड ग्रीन, चलिए ठीक है रिंकल एलो, रिंकल एलो ठीक है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। इसके अलावा रिंकल ग्रीन देखिए एक बात बता दें, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने बताया है, चलिए देखिए क्या कहता है, सो विथ कैलकुलेशन। इसका मतलब देखिए ऐसा है कि देखिए फाइंड आउट करना है इन डाई हाइब्रिड का व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा किसका, राउंड एलो का, राउंड ग्रीन का, रिंकल एलो का, रिंकल ग्रीन का। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं इसकी प्रोबेबिलिटी 9 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3 होती है, इसका जो है 3 होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो रेशियो जो आता है देखिए ध्यान दीजिए 9:3:3:1 बस यही आंसर हो गया। बट इन्होंने कहा सो विथ कैलकुलेट, मतलब ऐसे नहीं लिखने दिया जाएगा, आपको कैलकुलेशन भी शो करना है। तो ठीक है राउंड एलो, जरा ध्यान दीजिए राउंड एलो की कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई एक पॉसिबिलिटी ये है, जरा ध्यान दीजिए। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए ये भी राउंड हो लगा और कैपिटल वाई तभी देखिए एल एल होगा। फिर जो है जरा ध्यान दीजिए एक्चुअल में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अरे भाई एक बार यहां पर स्मॉल आर किया तभी राउंड एलो होगा, यहां पर स्मॉल लेटर वाई स्मॉल वाई तभी राउंड एलो होगा। और इसके बाद जो पॉसिबिलिटी होगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी राउंड एलो की, यही है राउंड एलो की पॉसिबिलिटी। तो देखिए एक्चुअल में ये होमोजाइगस कंडीशन तो 1/4 इंटू ये भी होमोजाइगस कंडीशन तो 1/4, तो दैट इज योर 1/16। देखिए यहां पर देखिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन तो 2/4 इंटू देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन तो 1/4, तो दैट इज योर 2/16। बहुत इजी है 2/16। देखिए यहां पर इस बार क्या है होमोजाइगस कंडीशन तो 1/4 इंटू ये देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन तो 2/4, तो दैट इज योर 2/16। देखिए ये क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन,
ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो इसका मतलब 2/4 × 2/4 दैट इज योर 4/16। देखिए अब देखिए राउंड एलो की जो है पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए 1 सबको ऐड करेंगे तो 1, 2, 3, 5, 4, 9, तो देखिए 9/16 इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 9/16 की हो गई, बहुत इजी है। दूसरा देखिए क्या बोला है, देखिए राउंड ग्रीन, ध्यान दीजिए राउंड ग्रीन, तो एक्चुअल में हम यहां पर इसको राउंड ग्रीन वाले का कैलकुलेशन यहां कर देते हैं। देखिए राउंड राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, देखिए राउंड ग्रीन की जो पॉसिबिलिटी होगी इसको ध्यान दीजिए। देखिए एक तो एक्चुअल में ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, देखिए ये क्या हो गया राउंड और ग्रीन हो गया, ये क्या हो गया बात को समझिए, ये राउंड और ग्रीन होगा। एक और पॉसिबिलिटी बनेगी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही बनेगी। अरे भाई राउंड और ग्रीन तो हमेशा जो है ग्रीन रिसेसिव है, तो इसलिए स्मॉल वाई के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा, बस राउंड में एक बार कैपिटल आर हो सकता है और दूसरे बार कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये देखिए इसकी जो पॉसिबिलिटी है 1/4 × 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/16, और यहां पर देखिए 2/4 × देखिए 1/4 दैट इज योर 2/16, तो ये टोटल क्या हो गया 3/16। अब हमको देखिए रिंकल एलो, देखिए यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे रिंकल, देखिए रिंकल एलो, ध्यान दीजिए तो ये जो रिंकल है आपका स्मॉल आर आर और एलो कैपिटल वाई वाई, ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। और रिंकल एलो का दूसरा पॉसिबिलिटी होगा ये, बस अरे भाई बात समझिए, एलो जो है क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसका मतलब कैपिटल वाई वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें जो है 1/4 × 1/4 दैट इज 1/16, और ये जो है प्रोबेबिलिटी है 1/4 × देखिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो 2/4 दैट इज योर 2/16, टोटल क्या हो गया आपका देखिए 3/16। अच्छा एक और बचा क्या राउंड, ये रिंकल ग्रीन, ये देखिए ये जो फोर्थ है रिंकल और ग्रीन, रिंकल देखिए रिंकल ग्रीन बहुत इजी है, रिंकल ग्रीन तो रिंकल बात समझिए स्मॉल आर आर और ग्रीन स्मॉल वाई वाई, इसका जो है ओनली वन कॉम्बिनेशन हो, इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा देखिए 1/4 × 1/4, अरे भाई होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये हो गया 1/16। तो देखिए एक्चुअल में ये जो रेशियो हमने डायरेक्ट लिखा था 9:3:3:1, तो हमने देखिए कैलकुलेट करके आपको देखिए कहा था सो विथ कैलकुलेशन, तो देखिए ये जो है 9, देखिए सेकंड जो है 3, थर्ड जो है 3 एंड फोर्थ जो है 1, तो 9:3:3:1 देखिए सो हो गया। तो ये सो इसलिए किया गया कि आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़े, चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिए जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या जो है कमाल है, जरा उसके बारे में सोचा जाए, चलिए ठीक है।
एनी अलील कैन बी रिसेसिव, ध्यान दीजिए, एनी अलील कैन बी रिसेसिव इन हेटरोजाइगस कंडीशन। भाई कोई अलील जो है समझिए रिसेसिव हो सकता है हेटरोजाइगस कंडीशन में, हेटरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस नहीं, हेट्रो। कोई भी एलील क्या रिसेसिव हो सकता है हेटरोजाइगस कंडीशन में, सोचिए, तो नहीं हो सकता, नहीं हेटरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव नहीं होता, हमेशा रिसेसिव किस कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो यहां पर आंसर हो जाएगा नो, बात को समझिए, नो, ये आंसर हो जाएगा नो। अब क्लियर भी आपको हो गया होगा। चलिए देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप वन होमोजाइगस एंड अदर इज हेट्रोजाइगस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इन एफ टू जनरेशन। देखिए एक्चुअल में इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, कि वन होमोजाइगस और अदर हेट्रोजाइगस, इसका मतलब यह हुआ, जरा ध्यान दीजिए, यह देखिए ये हेट्रोजाइगस में है और अगर इस तरह देखिए ये क्या है होमोजाइगस में है, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी पूछा। ऐसा है, एक और मैं प्रोबेबिलिटी आपका बता दे रहा हूं, जैसे कैपिटल आर देखिए होमोजाइगस और एक कैपिटल वाई हो एक स्मॉल वाई हो, तो इसकी इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो है कितने होगी, कितना होगी, तो आप चार्ट को देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 8/16, 8/16। आप देखिए पूरा चार्ट बनाना, यहां चार्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं है, आप जो है देखिए उस 16 जो प्रोजेनी है उसका जीनोटाइप आप देखिएगा कि कम से कम देखिए क्या कहा है, वन होमोजाइगस एंड अदर हेट्रोजाइगस, तो इस कंडीशन देखिए ये वन हेट्रोजाइगस और ये वाला होमोजाइगस, ये देखिए होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, मान लीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये दोनों होमोजाइगस में है इसलिए इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो कहने का मतलब इस टाइप का जो भी होगा, बात समझिए, वो कितना होगा 8/16 में कितना होगा 8। मैंने कहा था डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो आपका एफ टू जनरेशन है, एफ टू जनरेशन पर काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, अगला आइटम जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड अगले वीडियो में हम आपको जो है स्टडी कराएंगे। धन्यवाद।